बड़े सुंदर तरीके से। ओ भाई साहब। और भैया मैं वो नहीं बताना, वो नहीं बताना। अरे अनिश का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है मेरे चैनल यूके 13 ब्लॉगर पे। तो आज हमारे एनएसएस का तीसरा दिन और आज हम आए हैं, पहले हम स्कूल गए और अब हम जा रहे हैं एनएसएस शिविर में। तो देखना, और आज है स्पोर्ट्स, मतलब आज एनएसएस में स्पोर्ट्स वगैरह होंगे तो दिखाएंगे आपको। और ये है सागर और ये पीछे देख सकते हैं आप कृष्णा और साहिल यहाँ पर हैं और अभी हम जा रहे हैं। और अब बस थोड़ी देर में हम गुलाबरी फील्ड पहुँच जाएँगे तो आपको आगे की एक्टिविटी वहाँ पर दिखाएँगे। आप हैं, आज सही दिवस भी है तो उसके लिए भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सामने पे भाषण चल रहा है और ये बहुत सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे कि आज हमें मिल चुके हैं अनूप सेमवाल भैया और ये रुद्रप्रयाग के फेमस यूट्यूबर है। और मतलब आपने भैया के ब्लॉग तो आप लोग तो देखते ही होंगे। और अनूप भाई हमारे यहाँ पे आए हैं आज एनएसएस के कार्यक्रम में। तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो यूके 13 ब्लॉगर, हाँ जी चलो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, ब्लॉगिंग करते रहो और वीडियोस क्रिएट करते। और भैया को मैं तब से जानता हूँ जब भैया के थे 300 सब्सक्राइबर। और भैया आप यहाँ भी आए थे एक बार रुद्रनाथ महोत्सव में और एक और हमने भैया का प्यार तो देखा ही है पर हमने भैया का गुस्सा भी देखा है यूट्यूब उसमें। और भैया मैं वो नहीं बताना, वो नहीं। तो मैं भैया को कब से जानता हूँ, जब भैया लगभग गाने की वीडियोज़ डालते थे और बाकी मैं भैया की सारी वीडियोज़ देखता हूँ। तो यार आज का तो दिन ही बन गया, तो कह दो अपने ऑडियंस को कि प्यार दिखाओ, हमें भी प्यार दिखाना यूके 13 ब्लॉगर। बहुत अच्छी, अगर आपको लगती है वीडियोस तो लाइक करना, कमेंट करना, विचार तो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हाँ तो आज का तो दिन ही बना दिया अनूप भैया ने और अभी अनूप भैया के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं प्रोग्राम भी देखते हैं, है ना, बाकी बहुत सारी बातें और भी करते रहेंगे। तो अभी हमें काफ़ी मजा आया यार, हमने अनूप भैया से बात की तो अभी ढेर सारी बातें की, कुछ को हमने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया, कुछ वैसी बात की तो भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो है भी मतलब एक बड़े क्रिएटर है और बहुत ही छोटे से गांव तिरजुगी नारायण, सुना होगा आपने, वो वहाँ से आते हैं। तो और इनको मैं जब इनके 300 सब्सक्राइबर थे मैं तब से जानता हूँ इन्हें और आज इनके चैनल पर लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत सारी बात की, फिर मौका मिलेगा तो फिर से आपकी बातचीत करवाएंगे। तो देखो आगे क्या क्या होता है। और गाइज अभी यहाँ पे चल रहा है, पीछे पे चल रहा है कार्यक्रम जो आज शहीद दिवस के उसमें किया जा रहा है। और यहाँ पीछे पे कोर्ट बन रहा है खो खो कबड्डी इनका और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स होगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो मज़ा आने वाला है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक। और सामने पे देख सकते हैं आप भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है और आज स्पोर्ट्स भी होने वाला है। और सामने पे देख सकते हैं आप ये नेहरू युवा कल्याण केंद्र की तरफ से करवाया जा रहा है आज। तो और NSS के बच्चे भी इसमें हैं और हमारा साथ में NSS कैंप भी लगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे साहिल रजिस्ट्रेशन कर रहा है जो आज की दौड़ में प्रतिभा करने वाले हैं। और अब कुछ ही देर में रेस स्टार्ट होने वाली है तो देखो, और इसमें बहुत सारे हमारे स्कूल के भी हैं, देख सकते हैं सारे लोग ट्रैक में आ चुके हैं। और अब आपको ले चलते हैं सीधा वहाँ पे और देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। और गाइस देख सकते हैं रेस स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे, यूट्यूबर की कमी नहीं है। शाबाश और ये है दोनों फर्स्ट और सेकंड, अजीत और साहिल है फाइनल रेस। इसमें टॉप थ्री में कंपटीशन है तो देखते हैं। और आठ लड़के सामने पे हैं तो अब देखना होगा क्या होता है। आज की फाइनल रेस देख सकते हैं आप स्टार्ट हो चुकी है और आज की फाइनल रेस देख सकते हैं आप इसमें क्या होगा। और रिया निकल रही है क्या, भाग रिया, शाबाश रिया, ओ भाई अपनी। और गाइस देख सकते हैं रेस के बाद हो रहा है यहाँ पे योगा और कुछ बाहर से आए हैं जो योगा करा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे योगा के बारे में बताया जा रहा है। तो
तो गाइस देख सकते हैं यार यहाँ पे अनूप भैया हमारे साथ वॉलीबॉल खेलने आ चुके हैं और काफी अच्छा वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं ये। तो गाइज अब हमारा कबड्डी स्टार्ट हो चुका है तो यार आपको बहुत मजा आने वाला है, तो अब वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे वाह, पेड़ मत पेट में दिखाना। अरे वाह, ओ बेटे, भाई 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 बहुत हार्ड बहुत हार्ड। आपने हमारा मैच जीत देखा होगा, हम पहला मैच जीत चुके हैं और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अनूप खिलाड़ी ने अच्छा सहयोग दिया था और यहाँ पर रोहित भाई ने फाइनल कैच जो किया बहुत सॉलिड था, बहुत सॉलिड भाई फैन हुए। हाँ बस मैंने एक ही पॉइंट लिया, वो भी फाइनल लास्ट टाइम पे, और मिलता आपसे सीधा फाइनल मैच में। ये सेमीफाइनल चल रहा है, इसके बाद फाइनल होगा जिसमें हम हमारी टीम पहुँची है। तो गाइस फाइनल मैच स्टार्ट हो चुका है तो स्किप मत करना बिल्कुल भी। कम ऑन बड़े, यहाँ पे साहिल भाई बड़े सुंदर तरीके से। ओ भाई साहिल भाई, ओपी साहिल भाई साहब। हेलो, आ गया भाई, आ गया भाई, आएगा सर दो बार गिर गए। ओपे अतुल बहुत हार्ड भाई, बहुत 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 ओपी भाई, बहुत ओपी भाई साहब, मजा आ गई। विनर विनर चिकन डिनर, उसकी शर्ट पड़ गई उसकी। अतुल अतुल तेरे शर्ट का टुकड़ा गिर गया। और फाइनली हम फाइनल जीत चुके हैं कबड्डी में। ओए भाई फर्स्ट आ चुके हैं, 6 पॉइंट इधर रोहित भाई। और हम जीत गए बैगर बजा हमारी टीम। किंग स्कोर, किंग स्कोर, किंग स्कोर, किंग स्कोर। गाइस देख सकते हैं अब हमको मिल रहा है रिफ्रेशमेंट और ये अपने भाई लोग, और आज साहिल ने जो खेला है ना भाई साहब, पहली बार इतना मजा आया ना। सागर भाई का थैंक यू, क्योंकि जितनी भी कबड्डी की वीडियो देखी होगी आपने तो हमारे सागर ने बनाई है, तो थैंक यू सागर भाई, और बहुत सपोर्ट किया आज हमको सागर ने। और सागर तो अभी ध्यान नहीं दे, मैं टीम में था लेकिन मेरा नाम नहीं लिखवाया इन्होंने। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैं कृष्णा ने यार, और कृष्णा चतुर्वेदी कैसा लगा आज? और बस भाई रोहित भाई मेरे लिए जीत गई, फाइनल में भी जीत गई, बहुत बड़ी जीत चली, मजा आ गया। तो आगे ब्लॉग एंजॉय करो, अभी रिफ्रेशमेंट लेते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं। तो खेल प्रतिभागी लड़कियां जितनी भी है, गर्ल्स अपने कोर्ट में पहुंच जाए, इस खेल महाकुंभ का आरंभ करते हैं। प्रतिभागी टीम नंबर वन यहाँ पे आ जाए, टीम नंबर टू वहाँ पे आ जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, और कुछ ही देर में ये रंगारंग खेल का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। सकते हैं यहाँ पे भीड़ जुटना स्टार्ट हो चुकी है और गर्ल्स का मैच देखने के लिए। सकते हैं आप, ये हमारी स्कूल की लड़की है और वो है गर्ल्स कॉलेज की और ये है इंटर कॉलेज की, तो देखते हैं कौन जीतता है। अभी टॉस हो रहा है वहाँ पे। तो आज का NSS का यही था यार, तो काफी मजा आ रहा है। शाबाश
देख सकते हैं लास्ट का एक मिनट और ये देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स का खोखो स्टार्ट हो गया है। और आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा जरूर है पर काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे हो रहा है गर्ल्स का खोखो और उधर हो रही है बॉयज की रिले रेस। हमारी स्कूल ने खोखो में फर्स्ट, कबड्डी में फर्स्ट, आप देख सकते हैं काफी मजा आया। हमारी स्कूल की गर्ल्स भी जीत गई, बॉयज भी जीत गए और गर्ल्स ने दो चीज जीता है क्या, खोखो कबड्डी। योगा में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों योगा। और देख सकते हैं यहाँ पे कोई अदर एक्टिविटी होगी इसमें। और अब हो रही है लेमन रेस, जिसमें कि मुंह में चम्मच रखनी होती है और उस चम्मच में लेमन रखना होता है और वो लेमन नीचे नहीं गिरना चाहिए और उसके साथ साथ आपको रेस भी पूरी करनी होती है। तो देखो रेस में चम्मच को मुंह में लेके उसमें लेमन को की रेस होती है, तो उसमें मैं अभी फर्स्ट आया हूँ। तो ये पहला राउंड है, दूसरे राउंड में पता चलेगा क्या होता है। अपने रोहित भाई का फाइनल राउंड है, अब फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आया है, अब लास्ट राउंड है इनका और अब देखते क्या होता है। रोहित भाई रेडी होते हैं वहाँ पे। बस गेम स्टार्ट हो चुका है, अब हो गया गेम स्टार्ट। आई रोहित भाई हार चुके हैं पहले ही, गजब बेइज्जती है। अरुण शाबाश शाबाश, चल 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 अरुण, हो गया बस ले गया। अबे यार हट। गाइज अब हो रही है बोरा रेस, ये गर्ल्स की, हम देखते हैं कैसे दौड़ते हैं ये। अरे अनुष्का बाश ये है फाइनल राउंड और इसमें देखना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है। कोई नहीं, उठ जा शाबाश। का पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है आप देख सकते हैं और फाइनली अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। आपका ये रिजल्ट निकल रहा हूँ यहाँ से, तो इसमें जो रनर अप टीम बनी है इनका नाम है GGIC। जो विनर टीम रही है कबड्डी जो रनर अप टीम रही है, सेकंड नंबर की टीम आई है वो है मिस्टर टीम। अरे कृष्ण
बहुत बहुत बधाई। और एक बार जोरदार तालियां किंग्स कोर्ट के लिए जिन्होंने बहुत ही उम्दा यहाँ पर प्रदर्शन किया। और मैं इनको इनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सुनीता लड़की, इसको 5 मेडल मिले हैं। और यह है बबीता, कितने मिले? 3 मिले हैं इसको। और यह है आरती, 2। और इसको मिले हैं 3 गोल्ड मेडल। और दोनों गोल्ड हैं, दोनों गोल्ड। और 2 गोल्ड सिल्वर। अबे चल, फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ। और बारिश भी लग गई है और ग्राउंड में लास्ट में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद हम आ चुके हैं। और देख सकते हैं आप, अभी बताया। और आज तो प्राइस की ढेर लग चुकी है जीआईसी रुद्रप्रयाग वालों के पास। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।